हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलांचो पौधे की देखरेख हम कैसे करें। तो ये जो पौधा है, ठंड का पौधा है, ये सर्दी के दिनों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग्स करता है, गर्मियों के दिनों में ये फ्लावरिंग्स नहीं करता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है, फ्लावरिंग्स नहीं करने के बाद भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर इसमें फ्लावर्स नहीं रहते हैं फिर भी इसके पौधे बहुत ही अच्छे दिखते हैं, इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा जो ये पौधा है कितना हेल्दी है, इसका केयर हम कैसे करते हैं इस वीडियो में, यही हम शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कलांचो जो पौधा है, ये ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। ठंड के दिनों का पौधा है, इसमें जो फ्लावरिंग्स होते हैं वो एक महीना दो महीना तक इसमें लगे रहते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स लगे रहते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसकी देख रेख करना बहुत ही आसान है, इसे बस आप टाइम से पानी देते रहें। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी दें, ज़्यादा पानी इसमें नहीं दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ये जो पौधा है वो गल जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पूरे सर्दी इसे आप धूप, पूरे दिन की धूप में रखें, तब यह पौधा जो है बहुत ही हेल्दी रहता है। गर्मी के दिनों में इस पौधे को आप किसी छांव में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और इस तरह से इस पौधे को आप रख सकते हैं। इसकी जो कटिंग है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, इसकी कटिंग एक पत्ती से भी ग्रो हो जाती है। एक पत्ती को आप लेकर के इसे आप ग्रो कर सकते हैं कि बालू में, बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। और नहीं तो इसकी कटिंग लेकर के आप उसे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मेरे पास इस सारे कटिंग से तैयार किए हुए हैं पौधे हैं, एक दो गमले में हम कटिंग से तैयार करके रखे, इसमें भी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। तो इसकी जो कटिंग है तैयार करना बहुत ही आसान है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जल्दी सूखते भी नहीं हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, गमले में खिला हुआ रहता है ज़्यादा दिनों तक। तो इसके केयर करना बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें कुछ अगर खाद वगैरह देना चाहते हैं तो गोबर की खाद दें, वरना और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट दे दें, एक मुट्ठी काफ़ी है इसके लिए। ज़्यादा कुछ इसके नहीं केयर करना है, बस पूरे दिन की धूप में रखें, ये बहुत ही अच्छा से पौधा अपने आप ही आप ये केयर हो जाता है इसका। तो इस पौधे को आप भी अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है ये, सर्दी के दिनों में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय।